तो मैं कब से सोच रहा था कि ये पर्टिकुलर जो हेलमेट है इसको मैं खरीदूं, एंड आई फाइनली मेड अप माय माइंड एंड आई बॉट इट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सोर के डोमिनेटर सीरीज के हेलमेट के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर एक्सोर का डोमिनेटर सीरीज का हेलमेट, और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, बट आई प्रेफर टू गो विथ फुल ब्लैक। ये मुझे पड़ा है कुछ अराउंड 6600 का, और ये मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम स्टोर फॉर राइडर्स पुणे से। मैंने जो साइज ऑर्डर किया है वो है साइज मीडियम। अब चलिए जल्दी से हेलमेट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इट्स अ ड्यूटी सर्टिफाइड हेलमेट, और ये बना है फाइबर ग्लास से, सो जिसके वजह से हेलमेट काफी लाइट वेट है। इट वेज अराउंड 1.2 kg। सामने की तरफ देखो तो आपको यहाँ पे सामने एक एक्सोर का ब्रांडिंग दिखेगा यहाँ पे। बाकी चिन की तरफ देखो तो आपको यहां दिखेंगे एयर वेंट्स, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ। हेलमेट के एज पे आपको लेदर पैडिंग, लेदर स्टिचिंग दिखेगा यहाँ पे, ये एक जेन्युइन लेदर है। बाकी स्ट्रैप जो है, स्ट्रैप में आपको मिल जाएगा डबल डी रिंग लॉक मैकेनिज्म, और अंदर का जो पैडिंग है, ये सारे पैडिंग वॉशेबल है, और ये एंटी बैक्टीरियल भी है। वाइजर खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक प्लग मैकेनिज्म जैसा रहेगा, तो आपको खोलने के लिए यहाँ जो वाइजर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसको पुश करना पड़ेगा बाहर की तरफ, और ये खुल जाएगा। बाकी जब मैंने इसको ऑर्डर किया था आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ओन वन, बट अभी पहनने के बाद आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। सो रीजन नंबर वन, इसका जो पैडिंग दिया गया है, ये पैडिंग दिया है थोड़ा वेलवेट काइंड ऑफ कपड़े के ऊपर, जो फोम के ऊपर जो है वो एक वेलवेट काइंड ऑफ कपड़ा है। अब ये जो है ड्यूरिंग समर, आप जब इसको पहन के राइड करते हो तो जब आप पसीने में लथपथ हो जाते हो तो ये जो वेलवेट कपड़ा है ये आपको इरिटेट करने लगेगा। अब यहीं पे आप अगर मेरे पास जो दूसरा हेलमेट है बेल का, उसका पैडिंग देखो, सो कपड़ा जो है वो काफ़ी अलग है कंपेयर टू दिस एक्सोर का हेलमेट। इसमें आप पसीने में अगर ये सोख हो भी जाता है तो ये आपको इरिटेट नहीं करता है कंपेयर टू दिस वेलवेट हेलमेट। दूसरा रीजन जो है इसका फोम डेंसिटी, इसमें जो फोम यूज किया गया है कंपेयर टू बेल का, इसका डेंसिटी बहुत ही कम है। तो आप जब इसको लगाते हो, पहनते हो हेलमेट को, तो आपका हेलमेट जो है वो एकदम कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा लगता है कि पैडिंग की कमी है। वेयर एज दिस फील्स वेरी टाइट और वेरी सिक्योर्ड कंपेयर टू दिस हेलमेट। सो मुझे लगता है एक्सोर का जो पैडिंग है वो थोड़ा बेटर हो सकता था कंपेयर टू बेल। थर्ड रीजन है बिकॉज ऑफ द स्टाइलिंग, इसका जो स्टाइल है स्टार वॉर्स टाइप का जो बनाया गया है, उसके वजह से जो विजिबिलिटी एरिया है ना वो छोटा हो गया, और विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो आप जब राइड करते हो अगर आपको नीचे देखना है किसी चीज को, तो आपको सर को काफी नीचे करना पड़ेगा, देन ओनली आपको विजिबिलिटी दिखाई देता है। ऑल्सो वाइल राइडिंग ये जो पोर्शन है ये आपके लाइन ऑफ साइट में आता है, सो अगर आप इसको लेते हो यू विल टेक सम टाइम टू गेट यूज टू इट, क्योंकि आप जितने बार बाइक राइड करोगे इस चीज का ये जो पोर्शन है ये आपको बहुत ही इरिटेट करते रहेगा। रीजन फोर, सिंस मेरे पास ऑलरेडी बेल का हेलमेट है तो मैं उसके साथ कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि इसका जो पैडिंग है वो बहुत कम होने के कारण आप जब 100 के स्पीड पे जाते हो विंड ब्लास्ट जो है वो काफी सुनाई देता है। बेल के हेलमेट में क्या है, पैडिंग बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपका कान को थोड़ा ढक के रखता है, तो आपको उतना सुनाई नहीं देता आवाज बस। बट इसमें जो है कान आपका पूरी तरह से नहीं ढकता है, और जिसके वजह से आपको विंड ब्लास्ट काफी ज्यादा सुनाई देता है। रीजन फाइव, अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर इस हेलमेट को देखूं तो मुझे लगता है ये हेलमेट ओवर प्राइज्ड है। पैडिंग वैडिंग सब देख के मुझे लगता है इस हेलमेट का प्राइस जो है वो थोड़ा और कम होना चाहिए, पैसे जो है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए लिया जा रहा है। अब आते हैं कि इस हेलमेट को किनको लेना चाहिए। सो ये हेलमेट जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो लाइक इंस्टा के लिए रील्स बनाते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए रील्स बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही सही है, क्योंकि स्टाइलिंग वाइज दिस इज लाइक सुपर्ब, आपके वीडियोस बहुत ही ताबड़ आएंगे आपके बाइक के साथ। बट जो लोग टूरिंग के लिए सोच रहे हैं, टूरिंग एज इन नॉट ऑफ रोडिंग बट टूरिंग के लिए, नॉर्मल टूरिंग के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए मेरे को लगता है सेफ्टी विल बी अ वेरी बिग इशू, क्योंकि ऑफ
आपका लाइन ऑफ साइट में चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए मेरे को लगता है टूरिंग के लिए ये एकदम नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास बस एक ही हेलमेट है, अपना प्राइमरी हेलमेट, अगर इसको बनाने का सोच रहे हैं, तो मेरे को लगता है उनको ये इस चीज के साथ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिस हेलमेट कैन नॉट बी योर प्राइमरी हेलमेट। यू नीड अ प्रॉपर हेलमेट जिसमें विजिबिलिटी क्लियर हो, आपको दिक्कतें ना हो। दिस कैन बी योर सेकेंडरी हेलमेट अपने रील्स बनाने के लिए या कुछ और चीजों के लिए, फोटोशूट के लिए। So guys, hope you found this video informative. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.